हेलो फ्रेंड्स, यदि आपके मार्क्स नीट में कम आए हैं मगर आप बीडीएस या डेंटल कोर्स से अपनी पढ़ाई करना चाहते हो, डेंटल कोर्स से अपनी करियर बनाना चाहते हो, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के तरफ से भेजी गई नोटिफिकेशन में ये क्लियरली बताया गया है कि स्टूडेंट्स के लिए जो बीडीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं और जो बीडीएस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए कट ऑफ को कम कर दिया गया है, घटा दिया गया है, और ऐसा नोटिफिकेशन डीसीआई की तरफ से भेज दी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीसीआई की तरफ से भेजी गई नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अब कितने मार्क्स कम कर दिए गए हैं कट ऑफ में, और कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट भी अगर आप चाहें तो डेंटल कोर्स की काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं और सीट मिलने पर कॉलेज में एडमिशन पाकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज गुलशन झा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर मीडिया। फ्रेंड्स, एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक करियर मीडिया के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि नीट यूजी 2019 से जुड़ी और 2020 से जुड़ी जो भी अपडेट्स हो वो सभी आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो हम बात कर रहे थे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के तरफ से बीडीएस कोर्स के लिए घटाई गई कट ऑफ अब किस प्रकार है। चलिए देखते हैं, हम बात करेंगे कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ मार्क्स बीडीएस कोर्स के लिए 134 से घटाकर 107 मार्क्स कर दिया गया है। 134 मार्क्स पहले की क्वालिफाइंग मार्क्स कट ऑफ मार्क्स रखी गई है, मगर अब डेंटल कोर्स के लिए बीडीएस कोर्स के लिए उसे घटाकर 107 मार्क्स कर दिए गए हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और नीट 2019 में आपके 107 या उससे ज्यादा मार्क्स आए हैं तो भी आप जाकर के बीडीएस कोर्स के लिए अपनी काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो और सीट पा सकते हो। उसी तरीके से यदि आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए जो कट ऑफ मार्क्स रहेगी वो 85 मार्क्स या उससे ज्यादा यदि आपके आते हैं और आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब भी आप जाकर के बीडीएस कोर्स की काउंसलिंग अटेंड करके एडमिशन पा सकते हो। जनरल कैटेगरी की फिजिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए, फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए जो कट ऑफ मार्क्स है, रिवाइज कट ऑफ मार्क्स है, वो है 96 मार्क्स। यदि आपके 96 मार्क्स या उससे ज्यादा आते हैं तो आप बीडीएस कोर्स में के लिए अपनी काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। उसी प्रकार फिजिकली हैंडीकैप ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये रिवाइज कट ऑफ 85 मार्क्स रखी गई है। तो ये तो रही रिवाइज कट ऑफ मार्क्स, जिसे घटा करके डीसीआई की तरफ से नोटिफिकेशन भी भेज दी गई, और अब कम मार्क्स वाले स्टूडेंट भी अगर चाहते हैं बीडीएस कोर्स की पढ़ाई करना तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। कुछ भी चीज जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, या आपको डेंटल कॉलेजेस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, यदि आपको किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहिए तो आप वीडियो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारी आपकी सारी क्वेरीज, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा आप सभी के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।